नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये चाइना कंपनी का ब्लू फॉक्स का एक स्टीरियो आया है। ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये डेड कंडीशन में है, ठीक है, ये नहीं चलता है, इसमें डिस्प्ले में कुछ नहीं आता है, ठीक है। कस्टमर बोला ये डेड कंडीशन में है, तो इसका हमने देखिए यहाँ पे इस तरह का कनेक्शन होता है। यहाँ पे जो कनेक्शन दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये वाला कनेक्शन में थोड़ा कार्बन हो रखा है, ठीक है, और ये चारों कनेक्शन में इसमें कार्बन है, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो बैटरी का कनेक्टर है वो भी दिया गया है, लेकिन ये देखिए ये गर्म होके जल चुका है। देखिए ये जल गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कनेक्शन भी नहीं है, जैसे इधर येलो कनेक्शन होता है वो भी नहीं है, तो हम इसके जगह दूसरा यूज़ करेंगे। हमारे पास एक ठो परा हुआ है इसका कनेक्टर, उसको हम इसमें लगा के देखेंगे ये चलता है या कोई और गड़बड़ है, क्योंकि देखिए ऐसा वाला कनेक्टर मेरे पास है, इसको हम इधर लगाएंगे। और ये जो कनेक्टर इधर जल गया है, किस लिए जला है हमको देखना होगा, तो हम पहले इसमें कनेक्शन करके देख लेते हैं। जो देखिए दोस्तों, ये दोनों होता है पॉजिटिव का लाइन, जो हम एक साथ पॉजिटिव का कनेक्शन दे देंगे, और यहाँ पे नेगेटिव का लाइन होता है, तो यहाँ पे हम एक साथ नेगेटिव का कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो हम पहले ये कनेक्शन हमारा जला क्यों है वो भी हमको देखना होगा, ठीक है। ऐसे तो ये जलता नहीं है, क्यों जला है, लगता है इसमें कोई और गड़बड़ होगा, इसलिए ये हमारा कनेक्शन जो है जल चुका है। तो हमने देखिए इधर एक एडेप्टर लगा के रखा हुआ है, जो कि 12 वोल्ट का है। यहाँ पर आप इंडिकेटर देख सकते हो, ये इंडिकेटर जला हुआ है, ठीक है। तो आप हम यहाँ मल्टीमीटर लगा के देखेंगे इसमें से कितना वोल्टेज निकल रहा है, तो ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। देखिए 12.18 वोल्ट हमें मिल रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कनेक्शन दे करके। ये हमने देखिए ये नेगेटिव का कनेक्शन लगा लिया और ये हमने पॉजिटिव का कनेक्शन दे दिया। देखिए इसमें कनेक्शन देते ही ये जो इंडिकेटर है ये बंद हो गया, ठीक है। ये देखिए ये चल रहा है और ये बंद हो गया, ये देखिए फिर से जला है। तो लाइट बंद करके दिखाते हैं, अभी जल रहा है, ये देखिए बंद हो गया, क्योंकि स्टीरियो में कोई ख़राब है, कोई शॉर्ट हो चुका है, इसीलिए ये वोल्टेज हमारा देने से साथ साथ ये इंडिकेटर हमारा बंद हो जाता है, क्योंकि स्टीरियो में शॉर्ट होगा। देखिए हमने इधर कनेक्शन तो लगा दिया, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ, ठीक है, ये ऑन नहीं हुआ है, इसलिए हमको क्या करना होगा, पहले खोलना होगा, इसमें क्या शॉर्ट है वो हमको देखना होगा। देखिए ये ऑन नहीं है, पावर बटन मैंने दबा दिया, ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, इसमें अंदर में कोई शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम खोल के देखेंगे, ये पहले हमको इसमें देखना होगा क्या चीज़ इसमें शॉर्ट है, इसके वजह से ऑन नहीं हो रहा। ये हमने इसका कनेक्शन खोल दिया, ये देखिए एडाप्टर बढ़िया से जल रहा है। इस तरह से इधर कनेक्शन हम लगा देंगे, देखिएगा बंद हो जाएगा, ये देखिए ये बंद हो गया, फिर से चालू हो गया, ये देखिए बंद हो गया, ठीक।
ठीक है, इसमें हमारा जो अंदर में बोर्ड है, इस बोर्ड में कोई चीज़ इसमें शॉर्ट हो सकता है, तो हम पहले इसको खोलेंगे और खोलने के बाद देखेंगे ये क्या प्रॉब्लम है। तो पहले इसका कवर वगैरह खोल लेते हैं, इसका कनेक्शन भी निकाल लेते हैं। इस तरह से होता है, यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको भी खोल लेते हैं। वैसे तो ये चाइना कंपनी का होता है, लेकिन इसका साउंड अच्छा होता है। ठीक है, ये हमने इसको खोल लिया है दोस्तों। इस तरह का इधर बोर्ड है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर आईसी हमारा शॉर्ट है तब भी इस तरह से हमको वोल्टेज में प्रॉब्लम देगा। अगर कोई चीज़, अगर दूसरा कोई चीज़ इसमें शॉर्ट है तो ये प्रॉब्लम देगा। इसके कारण यहाँ पे शॉर्ट होने के कारण, अंदर शॉर्ट होने के कारण यहाँ पे जो पिन है वो जल चुका है। ठीक है, तो पहले हम इस बोर्ड को निकालेंगे, उस बोर्ड को निकाल करके हम देखेंगे क्या चीज़ इसमें शॉर्ट है। तो इसका बोर्ड निकाल लेते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह का कंटेंट आपको मिलते रहेंगे हमेशा। ये देखिए, हमने इसका पैनल ऑडियो बोर्ड ये हमने खोल दिया है, तो ये हमें अभी ज़रूरत नहीं है। इसको देखेंगे इसमें क्या चीज़ शॉर्ट है, हमको चेक करना होगा। ठीक है, पहले तो आप दोस्तों इसका जो कनेक्शन है ये हमको पॉइंट करना होगा, किस पॉइंट से हमें फायरिंग होगा। तो हम पहले कंटिन्यूटी पे लगाते हैं, तो हमको ये कनेक्शन पकड़ना है, शायद ये होगा। ये वाला पॉइंट जो है और ये पॉइंट एक ही है, क्योंकि देखिए ये कनेक्शन हमारा कहाँ पे गया है, यहाँ पे जा करके यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, इधर एक फ्यूज़ लगा है। तो अगर यहाँ पे शॉर्ट है हो गया तो फ्यूज़ भी जा सकता है, तो हम इसको भी चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, फ्यूज़ हमारा ठीक है, तो फ्यूज़ हम इधर लगा देते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर है और एक डायोड है, तो हम ये दोनों को भी चेक करेंगे। ये कैपेसिटर को चेक करते हैं, शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बताया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो कनेक्शन है वो पहले हम सोल्डरिंग करके निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने जो यहाँ पे जो येलो कलर का कनेक्शन होना चाहिए, ये कनेक्शन तो नहीं होगा, ये जल चुका है। तो हमने ये क्या करेंगे, यहाँ से एक तार लगा के यहाँ से कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से कौन सा कनेक्शन होगा हमको हमने फाइंड कर लिया है। ये जो तीन नंबर पॉइंट है, एक दो ये तीन, ये जो दो नंबर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट में हम ये कनेक्शन जोड़ देंगे। ठीक है, तो तभी ये वर्क करेगा। ये सॉकेट में मार्केट में कहीं मिलता होगा, मेरे पास है नहीं, तो हम ये जुगाड़ लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं।
अच्छे से सोल्डरिंग कर देना होगा, क्योंकि ये 12 वोल्ट डायरेक्ट कनेक्शन इसमें आता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अभी ये जो पुराना वाला सॉकेट है, इस सॉकेट हमारा अभी काम करेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसमें लगा दिया, और ये जो कनेक्शन है और ये पॉजिटिव कनेक्शन है, ये दोनों को हम एक साथ में जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया, अभी ये हमारा हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो हमारा जो हमारे पास जो सॉकेट है, इसको हम दूसरे स्टीरियो से खोल के इधर लगा के चेक किया हूँ, तो ये सॉकेट हमको देना नहीं पड़ेगा, तो हमने इसको रिपेयर कर लिया है। तो ये हमने पॉजिटिव का कनेक्शन इधर लगा दिया। अब यहाँ पे इंडिकेटर की तरफ देखिएगा, ये हमने नेगेटिव लगा दिया, ये देखिए ये बंद हो गया, ये चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट है, इसीलिए ये बंद हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे क्या चीज़ शॉर्ट है। यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो भी शॉर्ट बता रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो डायोड है ये भी शॉर्ट बता रहा है। तो पहले हम कैपेसिटर नहीं खोलेंगे, पहले हम डायोड खोलेंगे। ठीक है, और डायोड देखिए, ये बड़ा सा इधर डायोड लगा हुआ है। ये डायोड क्यों रहता है, इसको प्रोटेक्शन डायोड बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी कभी भी क्या होता है, ये बैटरी का कनेक्शन उल्टा पुल्टा होने से ये आईसी ख़राब नहीं होगा, इसके कारण ये लगा हुआ रहता है। ठीक है, कस्टमर ने शायद उल्टा दिया होगा, इसीलिए इस तरह का शॉर्ट हुआ है। तो कैपेसिटर तो दिखने में ठीक ही दिखा रहा है। ठीक है, तो हम पहले इसका डायोड को खोलते हैं, खोलने के बाद हम देखेंगे, ये डायोड खोलने के बाद शॉर्ट हमारा जो है चला गया है कि फिर से शॉर्ट कंडीशन में है। तो इसको खोल लेते हैं, बहुत हीट की ज़रूरत है इसमें। ये देखिए दोस्तों, हमने इस डायोड को खोल लिया है। तो पहले हम इस डायोड को एक बार चेक करके देखते हैं, हमने इसको खोल लिया है। बहुत गर्म है दोस्तों, इसीलिए हमने हाथ नहीं लगा रहा हूँ। ये डायोड जो है हमारा शॉर्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पर डायोड का पोजीशन भी दिया हुआ है, देखिए इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है। तो हमको देख करके इस डायोड को लगाना है, क्योंकि ये डायोड हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो हम पहले इसमें एक डायोड लगाएंगे, इस तरह का हमको डायोड लेना है, और इसको काट करके छोटा करके लेना होगा, इस तरह से हमको सोजा छोटा करना होगा। तो हम इसको काट करके छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पुराना वाला डायोड था, और ये हमने नया डायोड को काट करके इस तरह से बना लिया है। तो यहाँ इस तरह से बेंड करेंगे, ये बेंड हो गया। तो अभी क्या है, जो डायोड इस तरह से लगा हुआ था उसको हम उसी तरह से इसमें लगा के देंगे। देखते हैं ये डायोड लगाने के बाद स्टीरियो हमारा काम करता है या कोई और प्रॉब्लम है। तो चैनल पे बने रहिए, और दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसका जो छेद है, इसको पहले हमको साफ़ करना होगा।
नहीं तो ये नहीं घुसेगा। ये देखिए ये दोनों छेद जो है साफ हो गया है। तो देखिएगा दोस्तों, ये देखिए हमारा छेद जो है क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे हम डायोड ये वाला सफ़ेद पट्टी जो है इसको हम इस तरह से यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया तो हम अभी सोल्डरिंग कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें लाइन देके देखेंगे ये ऑन होता है या और कोई गड़बड़ है। ये देखिए दोस्तों सोल्डरिंग हो चुका है। ये सोल्डरिंग हो गया, ये हमारा पुराना डायोड था इसको हटा देते हैं। तो हमको अभी क्या करना है, ये जो इंडिकेटर हमारा अभी जला हुआ है तो इसको अभी यहाँ पे टच करके देखते हैं। इंडिकेटर जो हमारा शॉर्ट प्रॉब्लम था, ये इंडिकेटर हमें दर्शाता है कि नहीं। ये देखिए इंडिकेटर अभी जल रहा है, कोई शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। तो हम इसका जो पैनल है उसको लगा के देखते हैं ये काम करता है या और कोई गड़बड़ है। देते हैं, इसका साउंड भी हमको सुनना होगा, इसके लिए एक स्पीकर का भी कनेक्शन कर लेते हैं। अगर ये ऑन हो चुका तो साउंड भी आएगा स्पीकर का। इसको अभी कनेक्शन हम देखते हैं ये काम करता है या कोई और गड़बड़ है। ये पॉजिटिव का कनेक्शन हमने इधर दे दिया, ये है जो है हमारा नेगेटिव का कनेक्शन है, ये हमने इसमें दे दिया। ये देखिए दोस्तों ये अभी ऑन हो चुका है। इसमें यूज़ भी डाल के देखते हैं। दोस्तों ये ओके हो चुका है। इस तरह का प्रॉब्लम आने से आप भी कर सकती हो। ये पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, पहले आपको स्टीरियो को लाइन दे करके अगर आपको ऐसे इस तरह से शॉर्ट मिले तो पहले आप प्रोटेक्शन डायोड को ज़रूर से चेक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का प्रोटेक्शन डायोड अगर ख़राब होगा तो स्टीरियो में लाइन नहीं घुसेगा, ये लाइन को शॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमने देखिए स्टीरियो को ओके कर लिया है, ये अभी स्टीरियो ओके है, ये बढ़िया से वर्क कर रहा है। ये देखिए ये एफएम का साउंड आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।